आंखें दुख रही है मेरी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सारियानू, ओहो, क्या हाल चाल है आप सभी के? अरे पंजाबी, क्या बात है। चलो चलो चलो, हम चलते हैं, अभी आते हैं। अभी मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, वही जाके मिलता हूँ आपसे। कर रहे हैं नाश्ता? हाँ जी, करिए नाश्ता। और इधर दिखाओ ना, उधर कहाँ दिखा रहे हो? अच्छा सॉरी। और मित्रों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। दिन की शुरुआत कैसी हो रही है आप सभी की? हमें ये देख लो, दिन की शुरुआत सुबह सुबह रेडी। और जब उठ जाता हूँ ना, राखी को पता भी नहीं लगता मैं किस टाइम उठ जाता हूँ, अरे ये झूठ। सोए रहती है। अच्छा झूठ बोलोगे? और क्या, मैंने उठाया आज भी तो झूठ बोलोगे? झूठ कहाँ बोल रहा मुझे हूँ मैं। सब पता है, आप आके लेटे हो, फोन चला रहे हो, ये देख रहे थे आप, सब बता रहे थे, इतना हो गया, ये ऐसे देख रहे थे आप, यूट्यूब देख रहे थे। हाँ सब पता है मुझे, मैं लगता हूँ पता ही ना एक्चुअली। बहुत अच्छे से पता है मुझे कितनी नींद आ रही है अभी फिलहाल। वैसे बात ही गई थी, ये बात तो है, रात को इन्हें नींद नहीं आती जल्दी से, रात के 2 बज जाते हैं कभी कभी तो। जैसे मैं सो जाता हूँ हरा थका, तो मुझसे आगे बोलते हैं मुझे नींद नहीं आ रही, रात को 2-2 बजे तक नींद नहीं आती इनको। गैस कुछ उपाय बताओ, रात को नींद कैसा है? लग अच्छी लग रही है क्या? इसमें थोड़ा सा बंधा बंधा सा महसूस करता हूँ मैं, इतनी मोटी आई है। कोई बात नहीं, सर्दी है ना, ठंड लग जाएगी ना, मुझे वही बेस्ट लगती है अपनी विंडचीटर, वो थोड़ी हल्की है। हल्की भी है और कंफर्ट है उसमें। अब इसमें क्या देखो, कोई बात, ठंड भी तो देखो ना कितनी हो रही है, अरे मेरे को इतनी ठंड नहीं लगती। 2-4 दिन ज़्यादा ठंड है अभी, 10-1 दिन, 26 जनवरी तक फिर नॉर्मल हो जाएगी। कोई नहीं जी, कोई नहीं, सुबह मैं अब चलता हूँ जा रहे हैं आप? गाइस, अब मैं चलता हूँ वरना मैं लेट हो जाऊँगा पहुँचने में। जा सकते हो, 10 मिनट ऊपर नीचे। नहीं हो सकता है 10 मिनट ऊपर नीचे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आई एम ऑन द टाइम ऑलवेज। मैं टाइम पे होता हूँ हमेशा। शादी वाले दिन देखा है, टाइम पे पहुंचा था उस दिन भी, किस दिन? शादी वाले दिन अच्छा बहुत ज्यादा टाइम है क्या? टाइम से पहुंच गया था, तो मैं इंतजार करवाया नहीं मैंने बिल्कुल भी। चुप रहो, जितना मैंने तुम्हारा इंतजार किया है ना। इंतजार का फल मीठा होता है ना, पहुंच तो गया था उस टाइम पे, फिर देखो कितने धूमधड़ाक कैसे पहुंचा था फिर। रात के 11:30 बजे अबे यार, जाम में फंसे रह गए, क्या करते बताओ। जब तुमसे कहा था भाई दिल्ली है, जितनी दूर आना है आपको, 5 बजे निकलोगे शाम के, 6 बजेंगे तुम्हें यहाँ, तो 11 बजे तो तुम पहुंचोगे ही फिर। तो हमें क्या पता था तुमने दिल्ली में जाम लगवा रखा है? क्यों, तुम्हें नहीं पता था कि इतनी शादी है? पापा ने पहले ही बोल दिया था भाई बहुत भीड़ उस दिन, बहुत जाम रहेगा, प्लीज टाइम से निकलना। हम टाइम से हमारे निकले मैं थे, सब हम टाइम से रिश्तेदार, निकले थे, वहां जाम में फंस गए। सब रिश्तेदार चले गए हम 8 बजे बेचारे, पहुंच सब गए तो थे, इसीलिए तो बोला था कि जाम में फंसे रहोगे अगर आप जल्दी हम आठ निकलोगे बजे तो। वहां पहुंच गए थे मजनू के टीले से। हाँ अब कितना, 3 घंटे रहेगा ना मजनू के टीले से, है ही कितना दूर में इतने में तो अगर। वहां से ऐसा करते पैदल पैदल निकल जाते हाँ पैदल भी गाड़ियों को आ जाते, छोड़ सच कर। ही कह रहे हो आप, सही में मजनू के टेले से 1 घंटा ना लगता और क्या। यार, बड़ी दुर्गति हुआ वहां मजनू के टेले पे तो, जाम में बेकार जगह, इतना तकड़ा जाम यार, किसने बताया यार? डॉक्टर के चलोगे? कौन से डॉक्टर का? आज हाँ जी, या सैटरडे? सैटरडे ऑफ थोड़ी है आपका, सैटरडे में ऑफ नहीं, संडे में देखते हैं। संडे में रहती हैं? नींद नहीं आती यार, मैं पूछूंगी कि प्लीज मेरे को नींद का कुछ दो, परेशान हो गई हूँ मैं बहुत। चलो देखते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो यही होता है बेटा, स्ट्रेस मतलब इन चीज़ों का। छोड़ दो हाथ में, तो फिर कब चलोगे डॉक्टर ने? चलेंगे संडे वनडे में देखते हैं, संडे या मंडे को, आज का कल भी दिन, देखते हैं। हाँ नहीं आज टाइम नहीं, आज थोड़ा कम ज़्यादा है, आज का दिन आज तो फ्राइडे है, चलो ठीक है, निकल जाओ आज काम ज़्यादा है। निकल चलो जाओ। मैं जाता हूँ गाइस, मिलते हैं आपसे शाम को। अब शाम को 6:30 या 7 बजे तक आऊँगा मैं, 7 बजे तो क्यों? 6:30-7 ही बज जाते हैं बैंक में।
आपसे शाम को, टाटा बाय बाय, टेक केयर। तुमने पी ली? सो गाइस, मम्मी मेरी चाय ले आई है, ये मखाने और ये मेरे लड्डू। ये मैं एक सुबह चाय के साथ भी ले लेती हूँ, क्योंकि यार टंकी भर के वो मेरे को ख़त्म करने हैं सारे, वो भी जनवरी में। मैं समझ नहीं आ रहा मैं कैसे खाऊंगी इतने सारे, ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है अभी फ़िलहाल, तो कुछ दिन से ज़्यादा होने लगी है, 1 जनवरी से ज़्यादा हो रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और अभी बस मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ और फिर। सो गाइस, मम्मी अभी शैम्पू मेरे कंडीशनर लेके गई है, क्योंकि मैं बिना कंडीशनर के मैं अपने बाल नहीं धोती हूँ, क्योंकि कलर्ड बाल हैं, तो इस वजह से। तो मम्मी ने मुझे बोला है तो अपने जल्दी जल्दी फटाफट अपनी सॉक्स वगैरह उतार ले, फिर उसके बाद मैं आगे तेरे को नहला दूँगी। तो बस मैं फिर अभी बैठी हूँ अपनी सॉक्स वगैरह उतारने के लिए। ठंडी। आपको पता है गाइस, अब मेरे को 41 दिन हो जाएंगे, 41 दिन के बाद फिर मैं अपने रूम में चली जाऊंगी ऊपर। पता है मैंने क्या सोचा था, अगर मेरी बुगली होती तो मैं ऊपर ही रहती, मैं नीचे नहीं रहती, क्योंकि नीचे ठंड थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अभी ऊपर हमारे थोड़ा हिंदी सीट की प्रॉब्लम है, ऊपर हिंदी है नीचे इंग्लिश है, तो ऑपरेशन था तो नीचे ही। अगर ऐसा होता कि बुगली होती तो फिर हम इंग्लिश सीट लगवा लेते, या फिर एक चेयर भी आती है वो मंगवा लेते, या कुछ भी कोई और जुगाड़ करते, क्योंकि यहाँ तो नहीं कर पाते। ये लाइट रू चली जाती है जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ। सो गाइस देखो, मम्मी मेरे को नहला रही है, मम्मी यहाँ पे कुर्सी रखी है बाथरूम में, चेयर ये पीछे कर लो, बस यहाँ बैठ के मेरे को नहलाएंगी। अभी बस मैं नहा लूँ गाइस, ठीक है, उसके बाद मिलेंगे आपसे। सो गाइस, मैंने अपने बाल सुखा लिए थोड़े बहुत जितने में से सूखे, और अभी बस मम्मा खाना लेने गई हैं, बनाने गई हैं ऊपर। और तो गाइस, मेरे को आप सबसे कुछ पूछना था कि जैसे अभी मेरा जापा चल रहा है, तो प्लीज़, मैं जानती हूँ कि बहुत सारी बहनें हैं मेरी जो मेरा व्लॉग्स देखती हैं, जो मैरिड हैं, मदर हैं, तो वो प्लीज़ मुझे बताएं कि मुझे ब्रश कितने दिन में करना चाहिए, और अभी तक तो मैंने किया नहीं है। 35 डेज़ हो गए हैं, 36 सॉरी। तो प्लीज़ आप मुझे बताना कि मुझे ब्रश कब करना चाहिए, 40 दिन पे मैं कर लूं या फिर और रुकना चाहिए, क्योंकि मेरे से अब रुका नहीं जा रहा। तो विशाल को मैं बोलती हूँ, मम्मी को बोलती हूँ, तो वो भी मना करते हैं कि नहीं अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। तो अभी ऐसे पता नहीं है कि हाँ भाई मेरे को इतने दिन नहीं करना है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे को कितने दिन नहीं करना है ब्रश। और अभी मैं जैसे 35 डेज़ की हो चुकी हूँ, तो क्या मैं अभी हिंदी टॉयलेट यूज़ कर सकती हूँ या नहीं, या मुझे इंग्लिश ही यूज़ करना है अभी 2-3 महीने तक, क्योंकि मेरे को ना, वैसे सच्ची बताऊँ, मेरे को इंग्लिश वॉशरूम पसंद नहीं है, मेरे को हिंदी ही अच्छा लगता है। तो आप प्लीज़ मुझे बताना कि क्या मैं हिंदी यूज़ कर सकती हूँ या नहीं, कि मैं ये सच्ची में ये जेन्युइनली आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता है।
और मेरे से अब रुका नहीं जा रहा, तो क्या मैं कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो इसीलिए मैं आप लोगों से व्लॉग के थ्रू पूछ रही हूँ, क्योंकि मैसेज करना तो सबसे या किसी से पूछना ऐसे ठीक है कि एक व्लॉग बना दिया भाई, पूछ लिया, अब आप आंसर कर दोगे मुझे कि हाँ आप इतने दिन तक कर लेना। दूसरी चीज़ ये, और क्या पूछना था कि हाँ फिर अगर मैं हिंदी टॉयलेट, अगर आप लोग बोलते हो जो भी मेरी बहनें हैं जो देख रही हैं व्लॉग, अगर मैं हिंदी टॉयलेट यूज़ कर सकती हूँ तो फिर मैं अपने रूम में शिफ्ट हो जाऊँगी। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, एक तो रूम चेंज करके भी मेरे को नींद नहीं आती, नींद की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई है ना अभी कि आप सोच भी नहीं सकते, मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आती है। और फिर अपने बेड की मुझे इतनी आदत है, अपने बेड के बिना मेरे को नींद ही नहीं आती, अपने रूम पे अपने रूम में ही आती है मेरे को नींद। तो प्लीज़ आप मुझे बताना, क्योंकि मैं अपने रूम में जाऊंगी तो क्या पता थोड़ा सा मेरी नींद में फ़र्क पड़े कि मेरे को थोड़ी नींद आने लगे अच्छे से। तो इस वजह से, तो क्या मैं अब इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि क्या मैं हिंदी टॉयलेट यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ऊपर हिंदी है और नीचे इंग्लिश है। विशाल बोल रहे थे कि क्या मैं चेंज करा दूँ, ये हम इंग्लिश करवा लेते हैं, लेकिन मेरे को पसंद नहीं था, सच्ची बताऊँ मेरे को अपने घर पे भी नहीं पसंद, मैं हमेशा हिंदी यूज़ करती हूँ, बाकी सब हमारे इंग्लिश यूज़ करते हैं बट मैं हिंदी यूज़ करती हूँ, और यहाँ पे भी मैं हिंदी यूज़ करती हूँ, ऊपर हिंदी है और नीचे इंग्लिश है। तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि अगर मैं अपने रूम में जाऊंगी तो मुझे और ज़्यादा थोड़ा सा बेटर लगेगा इस वजह से। तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। और अभी मम्मी, हाँ अभी मम्मी आ गई मेरा खाना लेके। ठीक, तो बस एक ही लूंगी मम्मी, एक और बस। तो मैं गाइस खाना खा लेती हूँ फटाफट से, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। खाने में है आज अभी आलू मटर गाजर, मेरी फेवरेट सब्जी है ये, मुझे आलू मटर गाजर बहुत पसंद है, और रोटी है, तो मैं ये खा लेती हूँ। फिर उसके बाद मेरे को अपनी मेडिसिन लेनी है, और अभी मेरे थोड़े से बाल गीले हैं, वैसे पहले मैं हैंड वॉश कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने बाल सुखा रही थी। सो गाइस खाना तो मैंने खा लिया, अभी मैं अपनी मेडिसिन ले रही हूँ जो कि है आयरन कैल्शियम वाली। तो बस गाइस बिल्कुल मन नहीं लगता यार, पूरा दिन ऐसे ही लेटे लेटे, बिल्कुल सच में मन नहीं लगता विशाल के बिना, तो बिल्कुल नहीं लगता मेरा। क्योंकि हमारी शादी के बाद, मतलब पहले तो उनकी जॉब थी नहीं, जॉब लगी अभी 2 महीने पहले, तो मुझे आदत नहीं है उनके बिना रहने की, सच में मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता है उनके बिना। जब वो आ जाते हैं तब टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब टाइम निकल गया, मैं वेट करती रहती हूँ, अभी आने में इतना टाइम है, इतना टाइम है, घड़ी देखती रहती हूँ कि हाँ उनको आने में 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, अभी क्या करें, किस्मत की मार ही ऐसी है। वरना जब पहले सोचा करती थी, जब उनकी जॉब लगी, उनका कोई बात नहीं, कुछ टाइम की बात है, मेरा भोगली आ जाएगा, मुझे उसके साथ टाइम का पता भी नहीं चलेगा। आज देखो टाइम है पर भोगली नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे पता है वो फिर से आएगी मेरे पास, अपना से ही कुछ टाइम बाद, पर वो आएगी अपनी मम्मा के पास फिर से। शायद मम्मा से नाराज हो गई, मैं उसको डांटती थी ना, क्या आप आ जाओ पिट्टी करूंगी आपकी, इसलिए नाराज हो गई, बस गुस्सा हो गई। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं डांटूंगी मैं आपको, तो मैं अकेले रहती हूँ ना गाइस, तब मुझे उसकी ज्यादा याद आती है, कि अगर जाल होते मेरे पास तो मुझे
इतना फील नहीं होता। चलो कोई बात नहीं गाइस, सीखो कौन आया क्यों। हाँ जल्दी बताओ क्यों आए इतना लेट। नहीं यार क्यों आए, बाल की बिगाड़ रही हूँ। क्यों आए पहले बताओ, क्यों कौन से मार्केट गया था कहाँ। अब मार्केट अपने काम से गया था कहाँ। टाइम से नहीं आ सकते अपने घर, काम तो अपने निपटाने पड़ेंगे ना यार। 6 बजे से पहले पहले नहीं, 6 बजे पहले नहीं, नहीं पिटाई कर दूंगी। 7 बजे, 7 बजे का टाइम होता है बैंक से। बताऊंगी अरे क्यों पिटने जा रही हूँ मेरे साथ। गाइस देख लो यार, बराबर मार रहा है, बराबर बराबर मार रहा है, बराबर। इसमें लग भी ना रही तुम्हारे। अच्छा मैं मार के देखो लगा या ना लगती। इसमें है जो तुमने पहन रखी है। गाइस इसका पता क्या करा है ये ऐसा अंगूठी सी निकाल लिया बाहर उंगली और समा रहा है मेरा, और मैं समार दूं फिर। अब ये क्या देखो, अब तो यू लग रही है ना, रिंग मार दियो ना मेरा। सौ सुनार के एक लोहार की एक घुसंडी बहुत है मेरा। ऐसे हो जाओ। कैसे हो जाऊं, हां मैं तो पिटने को हो जाऊं वैसे ही। ऐसे हो जाओ चाट आओगा गाल में बहुत जो। बेल्ट लगो बेल्ट बेटा, पेट लटक जाएगा यूं ही। नहीं जलर से लटक जाओगा। अच्छा ना लटके बैठो तो मेरे पे इतना पैसा ना आके तुम्हारी चर्बी खत्म करवाऊंगा फिर उसे। शट अप ओके, इतनी कोई चर्बी नहीं है मेरे अंदर। चर्बी है ही और कहां है यूं ज्यादा फोन तो बोलोगे तेरी। क्या बोल रहे थे, क्या तेरी क्या तेरी इसे हाथ उठाना कहते हैं। पता कितने झन्नाटे निकल रहे हैं गाइस देख लो झन्नाटे बता रही है। कितने झन्नाटे निकल रहे हैं पता तुम्हें। बेटा खुशबू आ रही है तो खोपड़ी में सारे नहा लिए क्या है। हेयर वॉश किया था ना, शैम्पू किया था। महीने भर में एक बार तो नहा ही लो तुम वैसे। कुछ ज्यादा नहीं फाय करो तुम 10 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार। अच्छा हफ्ते में नहाती हूँ बकवास। ओ सॉरी 2 दिन देखो सच्चाई आगे ना आगे मुंह पे, हफ्ते में एक बार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है। अरे हफ्ते में नहीं नहाती गाइस, मुझे ही लग रहा है ना ये मोटी हो गई अभी उसमें। क्या आपको भी लग रहा है तो वही जापे में मोटी तो होंगी ना, लड्डू खाऊंगी तो। एक लड्डू मुझे भी ले आइयो यार, एक मैं भी खा लूं। लियो मैं पहले बता दूं मैं गाइस को, मैं 2-3 दिन छोड़ के नहा लेती हूँ और हफ्ते में सर एक बार धोती हूँ। अबे झूठ बोलने में रहने दो, काय को झूठ। ये हाँ पता है मुझे, अब 7 दिन में बाल धोए तो बढ़िया तो लग रहे हैं। अच्छे नहीं लग रहे गाइस, अभी आके बैठा हूँ मैं बैंक से, बढ़िया लग रहे हैं। अब मैं छेड़ो बढ़िया लग रहे हैं, अब बढ़िया लग रहे हैं, हीरो लग रहे हो। माना जन्म ही हीरो हूँ, देख रहे हो कैसा हाथ चल रहे हैं इसके। अरे घुसन झिलेगा नहीं मेरा, सही बता रहा हूँ। मारो तुम्हें पता मारोगे ही नहीं, पता भी पिट्टी पिट्टी करोगे ही नहीं, मैं आपकी पिट्टी पिट्टी कर दूंगी। देख रहे हो सब बावली भर रही है इस पे झील ना रहा खाया पिया। मैं कितनी खुश हूँ ना गाइस, देखो यहाँ जाते तो मैं खुश हो जाती हूँ फिर। नहीं खुश रहना भी चाहिए, टाइम ऐसे जाएगा ऐसे। ये हमारी नोक झोंक रहती है इस और तरह अब, और पूरा दिन बस ऐसे ही, पूरा दिन बैटरी डाउन, मेरा थे बैटरी चार्ज। ये तो है, मेरा चार्जर नहीं रहता ना मेरे पास इसलिए मैं डाउन फील करती हूँ। तो अभी चाय बनने गई है गाइस, टाइम से आ जाए करो ठीक है ना, ऐसे पढ़ेंगे ऐसे। अभी ज्यादा टाइम कहाँ हो रहा है, 7 ही तो बजे हैं यार। तो गाइस अभी आए हैं, इतनी थोड़ी देर हुई है और उसमें भी फ़ोन चला रहे, तो मैंने कर दिया सेट। हाँ पता है पिटने, मैं पिटने के लिए तो बनाई हूँ तुमसे। नहीं यार ऐसे क्यों बोल रहे हो यार, मैं मजाक कर रही हूँ। हाँ देख लो मजाक कर रही हूँ, मजाक में मेरे में 2-4 घुसंड पहल लिए। गाइस तुम्हारे साथ में भी हो क्या, किसी के साथ में ऐसा मैं मार सकती हूँ कहीं ऑफिस से किसी काम से सरकारी जॉब से, आप आके घर बैठो और आपकी धर्म पत्नी आपको पेल दे। मैं पेलती हूँ आपको, पेलती हो आप मुझे।
अभी अभी मैं ये पता क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि व्लॉग बन रहा है तो आप जान के बोल रहे हो। मेरे में दो चार घुसे तो रोज की भी लगे। ऐसे ही तो मारती हूँ प्यार से, तुम भी तो मारते हो। अभी अभी तो बताया ना कि मैं प्यार से मारती हूँ, तुम भी तो मेरे तो मैं तो पीठ पे मार दो, आप गाल पे मार दो, ऐसे ऐसे करके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये ज्यादा है इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। इमोशनल ब्लैकमेल का है वो, कर रहे हो तुम ऐसे बोल रहे हो, मारती हूँ मुझे नहीं, तुम करती हो यार, मेरी पिटाई करती हो, सब देखेंगे हमारे रिश्तेदार भी ना, पता लग जाएगा जो ये कहते हैं राखी कितनी अच्छी है, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। बता दो, देख लो तो गाइस, अभी हम पहले चाय पी लें, चाय आने दो, तब आपसे बात करेंगे फिर से, जब चाय आ जाएगी साथ में बैठ कर चाय पियेंगे, ठीक है। और अगर अब तुम फोन में लगे, ठीक है, नहीं लग रहा, पिट्टी कर दूंगी, देखा पिटाई कर दूंगी, हाथ तक तुम तैयार है, पिट्टी कर दूंगी, पिट्टी 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 पिट्टी। गाइस अभी हम दोनों पी रहे हैं चाय, ये मेरी चाय, ये बोले ये ले लेना आप, मेरे को नहीं चाहिए, ले लो, मेरे को नहीं चाहिए, एक तो ले लो, नहीं आप खा लो, भूख लग रही होगी। सो गाइज मैं चाय पी लेते हैं अभी हम, इसके बाद मिलते हैं, ठीक है, बाय, टाटा कर दो। सो गाइज अभी हमने चाय पी लिया है और अब सर की डिमांड है कि उनके कोशिश करूँगी कि मैं डेली डेली व्लॉग्स डालूँ, जल्दी से उठ जाऊँ और फिर मुझे अपने घर भी जाना है, मेरे को बहुत टाइम हो गया घर गए हुए, मेरे को 5 महीने हो गए अपने घर गए हुए, याद तो आती है, मैं जब से मेरी शादी हुई ना मैं बहुत ही काम गई, एक तो ये जाने नहीं देते, ऊपर से फिर बेबी था तो इस वजह से भी मैं, मेरे को ट्रैवल के लिए मना किया था तो इसलिए मैं जाती नहीं थी, मेरा घर बहुत दूर है तो इस वजह से 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, अगर जाम वाम हो, वैसे तो 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं लेकिन जाम दिल्ली में बहुत जाम रहता है, तो फिर मेरे को अपने घर भी जाना है, बहुत दिन हो गए, मेरे मम्मी डैडी भी मुझे बहुत मिस करते हैं और मैं भी उनको बहुत मिस करती हूँ, तो फिर मैं जाऊँ। थैंक यू, थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, आप लोगों का दिल से धन्यवाद, आप मुझे बस ऐसे ही प्यार करते रहना, बाकी कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में बस, क्योंकि कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं वो मेरे को थोड़ा सा इफ़ेक्ट करते हैं, बट अब मैं धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर रही हूँ कि मुझे वो कमेंट इफ़ेक्ट ना करें, क्योंकि कि ऐसे वीडियो बनाना शुरू कर दिया ये वो, क्यों ना बनाऊँ मैं, कब तक रोऊँ आप लोग बताओ, कब तक रोऊँ मैं पूरे, मेरे को रोते हुए आज 36 दिन हो गए रोते रोते, आई क्या मेरी बुकली मेरे पास एक बार भी कि मम्मा आप क्यों रो रही हो, डैडी आप क्यों रो रहे हो, नहीं आई ना, और मुझे पता है वो फिर से आएगी मेरे पास, बस थोड़े समय के लिए चली गई है, कुछ टाइम बाद वो फिर से आएगी मेरे पास, देख लेना आप सब, तो इसलिए मैं अब मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, अब मैं सिर्फ स्माइल करूंगी, हंसूंगी बस और कुछ नहीं, और अपने काम पे ध्यान दूंगी, अपनी फैमिली को देखूंगी, खुद को अच्छा करूंगी बस और कुछ नहीं, बस जो मेरे अपने हैं, जो मेरे साथ हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरे बुरे टाइम में मेरे ढाल बन के मेरे साथ खड़े रहे हैं, जिन्होंने आके मेरे सर पे हाथ रखा है, जिन्होंने आके मुझे गले लगाया है, जो मेरे आंसू पोंछते हैं, बस सिर्फ मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, बाकी दुनिया क्या भौंकती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग बोलते रहिए, मैं ऐसे ही मज़े में रहूँगी, अब वो पहली वाली राखी नहीं है कि चुटकियों में पागल बन जाती थी, जो अब वो नहीं है, वो बदल गई है अब, क्योंकि मेरी बुगली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना के गई है, और वो एक जो मेरे पर्दा लगा हुआ था मेरी आंखों पे उसको हटा के गई है, एंड वो मुझे बोल के गई है कि मम्मा आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको जो अब आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए किसी से भी, अब बस जो आप जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके हैं, जो आपके साथ खड़े रहते हैं, अब आप सिर्फ उन पर ध्यान दो, उनके लिए जो उनके लिए काम करो बस और कुछ नहीं, एंड बस मैं चाहती हूँ कि आप और पापा जल्दी जल्दी से अच्छे हो जाओ और भी खूब काम करो, वो फिर से आएगी ना बेबी, क्या बुगली आएगी ना फिर से, और क्या,
ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, ओके बाय बाय। पानी लाओ, दूध। अच्छा दूध तो आपके लिए ऑफर किया। अच्छा आप ले, आपने पी लिया? हाँ। अच्छा ठीक है, तो गाइज ये मेरा दूध आ गया, ये देखो बंटे में, मैं अपना दूध भी पी लेती हूँ और उसके बाद फिर हम सो जाएंगे। ओके बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट कर दो। गुड नाइट।